हेलो एवरीवन गाइस मैं सौरभ दिल्लीवार अबक आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर जहां हम लोग भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं ठीक है थीके? और भारत के इतिहास में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया क्या मध्यकालीन भारत का इतिहास जिसमें से मुगल वंश अभी कवर कर रहे हैं ठीक है थीके? मुगल वंश अभी आप लोग लो देख रहे हैं मुगल वंश लगभग लगभग समाप्त तो हो चुका है बचाएगा खाली मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना बाकी है ठीक है लेकिन उससे पहले उससे पहले पिछले क्लास में बारे में और शेर शाह सूर्य जी के बारे में ठीक है शेर शाह सूर्य जी की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में देखते हैं ठीक है कि कैसे उन्होंने टैक्स वसूला, भूर, वसूला है भू राजस्व वसूला है अपने शासन काल के दौरान ठीक है अब जब इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जानना जरूरी है क्या कि उन्होंने भूमि की माप कैसे कराई है भूमि को नापा कैसे है यह जानना बहुत ही जरूरी है ठीक है ध्यान देना शेरशाह सूर्य जी ने शेरशाह सूर्य जी ने गज ए सिकंदरी के माध्यम से भूमि को नपवाया है गज ए सिकंदरी के माध्यम से भूमि का मापन कराया है अब एक क्वेश्चन बनेगा कि गज ए सिकंदरी गज ए सिकंदरी किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था ठीक है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि गज ए सिकंदरी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था ठीक है ये पढ़ा चुका हूं मैं ये टॉपिक में पढ़ा चुका हूं कि गज ए सिकंदरी किनके द्वारा लॉन्च किया गया था ठीक है और उस स्केल के माध्यम से इन्होंने भूमि का मापन करवाया है अब एक और तरीका है एक और तरीका है जिसके आधार पर इन्होंने भूमि को कृषि योग्य भूमि को तीन अलग अलग पार्टों में बांटा है अब कितने एकड़ है यह से लेकिन अगर किसी के पास दस एकड़ खेत है लेकिन वो बंजर भूमि है तो ऐसा तो नहीं है कि उससे बोलेंगे उपज का हाफ देना पड़ेगा ऐसा बोल सकते ना क्योंकि उस बंजर भूमि पर फसल तो हो ही नहीं रही है इसी कारण ये व्यवस्था कारगर नहीं की केवल एकड़ के आधार पर आप टैक्स नहीं ले सकते हो इसी कारण शेर शाह सूर्य जी ने भूमि के उपज के आधार पर भूमि के उपज के आधार पर खेती योग्य भूमि को तीन अलग अलग में बांटा है ठीक है आप लोग उपज के आधार पर भूमि की उपजाऊ क्षमता कितनी है इसके आधार पर शेषाह सूर्य जी ने कृषि योग्य भूमि को तीन अलग अलग में बांटा है कौन सा है उत्तम मध्यम और निम्न उत्तम मध्यम और निम्न उत्तम का मतलब क्या है जहां पर हमेशा अच्छी फसल होती है मध्यम क्या है यहाँ पर नॉर्मल है निम्न का मतलब क्या है जहां पर फसल बहुत ही कम होती है ठीक है अब जब उत्तम है मध्यम है निम्न है इन तीनों कृषि भूमियों के लिए इन्होंने अलग अलग टैक्स निर्धारित किया हैं जो भी अलग अलग वर्ग की अलग अलग किस्म की भूमि है उनके लिए उनके लिए उनके, लिए, उनके, लिए, उनके प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर के जो उपज है उनका औसत निकाला गया ठीक है जब उत्तम किस्म की जमीन है उसके तीन साल का औसत निकालकर उसके तीन साल की उपज का औसत निकालकर औसत निकालने के पश्चात जो एवरेज आया है उसका एक तिहाई भाग कर के रूप में निर्धारित किया सुनिए बात क्या बोरा ठीक है सपोज पहले ईयर में बताए सौ, सौ क्विंटल हुआ है सेकेंड में एक सौ थर्ड में कितना हुआ डेढ़ ठीक है तो इन तीनों का सम करके इन तीनों का सम कर कर दिया है 1 बाय थ्री कर दिया तो क्या आ गया एवरेज आ गया और जो एवरेज आया है जो एवरेज आया है उसका भी 1 बाय थर्ड करके अपन टैक्स के रूप में निर्धारित कर रहे हैं ठीक है समझाता हूं यहां पर जैसे एक है सौ है और कितना है वन फिफ्टी है ठीक है इन सब का सम करके डिवाइड बाई थ्री निकला अपना औसत निकला है अब इस औसत का एक तिहाई भाग इस औसत का एक तिहाई भाग कर के रूप में अदा करना पड़ेगा ठीक है वैसे ही मध्यम के लिए साल की फसल का औसत निकालकर जो भी औसत आया है उसका एक तिहाई भाग कर के रूप में निर्धारित किया है सेम यहां पर भी है ठीक है सेम यहां पर भी उन्होंने ऐसे ही प्रणाली अपनाई है और इस प्रणाली को हम लोग है बोलते हैं क्या जापती है जापती प्रणाली के नाम से जानते हैं ठीक है औसत निकालकर उसका एक तिहाई भाग कर के रूप में निर्धारित करना क्या कहलाया है जापती प्रणाली कहलाया है जो कि टोडर मल जी के द्वारा अपनाई गई थी जो कि मल जी के द्वारा अपनाई गई थी टोडर अमल जी हैं वो शेरशाह सूरी और अकबर के बीच की कड़ी मानी जाते हैं माने जाते हैं है क्योंकि वो टोडरमल जी जो हैं शेरशाह सूरी के पास और अकबर के पास दोनों के पास वो काम किए हैं टोडर जी ने शेरशाह सूरी के पास और अकबर के पास दोनों के पास ही काम किया दोनों जगह पर यह जापती प्रणाली उनके द्वारा अपनाई गई है जब वो एज अ भू अधिकारी दोनों के पास काम कर रहे हैं तब उन्होंने ये जापती प्रणाली अपनाई है क्लियर ए अब देखते हैं जो एक तिहाई भाग एक तिहाई भाग कर के रूप में वसूला जा रहा है किसानों से इसके अलावा भी कुछ और कर वसूले जा रहे हैं ठीक है थीके? ये एक तिहाई भाग तो अलग है और इसको छोड़कर भी दो टाइप के कर और वसूले जा रहे हैं पहला कौन सा है जबरीना पहला कौन सा है जबरीना उसके बाद कौन सा है महासिलाना जबरीना और महासिलाना इस उपज कर को छोड़कर दो और तरीके के टैक्स हैं देखते हैं जबरीना का मतलब क्या है अगर आपको अपनी भूमि नपवाना है ठीक तो है को को अगर मैं अपनी भूमि को नपवा रहा हूं तो भूमि को नपवाने के लिए मुझे एक टैक्स देना पड़ेगा हैं जबरीना कहे क्या बोले हैं जबरीना भूमि की नाप हेतु लिया जाने वाला कर कह रहा है क्या जबरीना कहला है भूमि की नाप हेतु लिया जाने वाला कर जबरीना कहलाया जो कि उपज का ढाई परसेंट था जोज का ढाई परसेंट था बहुत बड़ा लैंड है भूमि है लेकिन आपको पता नहीं है क्या कि कितने एकड़ खेत है तो आप पटवारी जी को बुलाओगे पटवारी जी नापेंगे तो आप पटवारी जी को टैक्स दोगे उसी टैक्स को हम लोग क्या बोले हैं जबरीना बोले क्या बोले हैं जबरीना जो कि उपज का ढाई परसेंट था आप लोग मत देना ठीक है आप लोग मत देना पटवारी जी को अभी उस समय की बात है

जो भू राजस्व अधिकारी हैं उनके लिए एक टैक्स वसूला जा रहा था इनके शासनकाल में उसी हम लोग महासिलाना बोले हैं महा है जो कि उपज का पांच परसेंट था जो कि उपज का पांच प्रतिशत था है? एक बार रिवाइज करते हैं ठीक है हमने पढ़ा है क्या भू राजस्व व्यवस्था इसमें हम लोग पढ़े क्या जापती प्रणाली पढ़े हैं उससे पहले हमने पढ़ा है क्या की शेरशाह सूर्य जी ने गज ए सिकंदर के माध्यम से भूमि का मापन कराया है और उसके बाद की उपज कृषि की उपज के आधार पर उन्होंने भूमि को तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था कौन कौन से थे उत्तम मध्यम और निम्न और उत्तम किस, सपोज किसी भी एक पार्ट को लेकर चलते हैं मध्यम में जाना ठीक है मध्यम किस्म की भूमि है मतलब क्या है पैदावार सामान्य है न ज्यादा है न कम है अब इस मध्यम किस्म की भूमि पर तीन सालों पिछले तीन सालों में कितना उपज हुआ है उसका औसत निकाल कर जो औसत आया है उसका एक तिहाई भाग कर के रूप में निर्धारित किया गया था सेम उत्तम और निम्न किस्म, किस्म की जमीन के लिए भी सेम उत्तम और निम्न किस्म की जमीन के लिए भी अपनाया गया है मतलब क्या है इस प्रकार की भूमि पर पिछले तीन वर्ष में कितना उपज हुआ है। उसका औसत निकालकर एक बड़े इन, इन प्रणाली बोलते हैं जो कि टोडर मल जी के द्वारा अपनाई गई थी और टोडर मल जी क्या है अकबर और शेरशाह सूर्य जी के मध्य के बीच की कड़ी है दोनों के पास इन्होंने काम किया है ठीक है उसके बाद हम लोग देखा है इस एक तिहाई कर के अलावा किसानों से या लोगों से दो टाइप के कर और लिए जा रहे हैं कौन कौन से हैं वो जबरीना और महासिलाना जबरीना और महासिलाना अगर आपको अपनी भूमि कितनी एकड़ है कितनी लंबी है कितनी बड़ी है ये जानना है तो भूमि के नाप हेतु आपको टैक्स देना पड़ेगा उस टैक्स को हम लोग क्या बोले हैं जबरीना बोले हैं जो उपज का ढाई था ठीक है अब जो अधिकारी नाप रहे हैं ठीक है पटवारी है आर आई है नायब तहसीलदार है एस है वो कलेक्टर है सब बहुत अलग अलग रैंक के अधिकारी हैं उन सब की सैलरी के लिए उन सब के लिए भी टैक्स दिया जा रहा है किसानों से जिसको हम लोग क्या बोले हैं महासिलाना जो कि उपज का पांच परसेंट था उस जमाने की बात कर रहा हूं अभी नहीं बोल रहा हूं ठीक है उस जमाने की बात कर रहा हूं ये उपज का पांच प्रतिशत था ठीक है ये था शेरशाह सा सूरज की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में ठीक है अब कुछ चीजें जो हैं उनके बारे में बहुत ही फेमस है उनके द्वारा बनाई गई सड़कें शेर शाह सूरज जी के द्वारा बनाई गई सड़कें बहुत ही फेमस है चार सड़कें चार सड़कें बहुत ही फेमस है जो शेर शाह के द्वारा बनवाई गई पहला कौन सा है सड़क ए आजम क्या है सड़क ए आजम इसी को हम लोग बोलते हैं क्या ग्रांड ट्रंक रोड भी बोलते हैं ठीक है सड़क ए आजम को ही ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं जो बंगाल के सोनार गांव से लेकर बंगाल के सोनार गांव से लेकर पंजाब के अटक तक फैली हुई है ठीक है कांत देना मैं बार-बार बोल रहा हूँ जो सेठ सा सूरज जी के द्वारा बनाई गई सड़कें हैं उनसे एक क्वेश्चन प्री में पूछ सकता है और मेंस में भी पूछ सकता है कि इनके द्वारा बनाई गई सड़कों के नाम लिखिए लिखिए आप लोग क्वेश्चन ही वाला सेठ सा सूरज जी के द्वारा बनाई गई सड़कों के नाम लिखिए अब सीधे नाम लिख के नहीं आ जाना है ठीक है अगर मेंस में लिख रहा हूं तो कुछ-कुछ पॉइंट ऐड करना है ठीक है Osionfish. पहला सड़क कौन सा है सड़क आजम जो बंगाल के सुनार गांव से लेकर पंजाब के अटक तक फैली हुई थी ठीक है ठीके? बंगाल के सुनार गांव से लेकर पंजाब के अटक तक फैली हुई थी बाद में इसी रेड को इसी रोड को बोला गया जी जीटी रोड या फिर बोलते ग्रांड ट्रक रोड इसी को बोलते हैं बंगाल से लेकर पंजाब तक दूसरी सड़क कौन सी है आगरा से लेकर बुरहानपुर तक आगरा से लेकर बुरहानपुर तक तीसरी सड़क कौन से है आगरा से लेकर चित्तौड़ तक आगरा से लेकर चित्तौड़ तक तीसरी सड़क इनके द्वारा बनवाई गई है चौथा कहां तक लाहौर से लेकर मुल्तान तक चौथी सड़क लाहौर से लेकर मुल्तान तक जाती है ये चार सड़कें बहुत ही फेमस है जो शेरशाह शाह सूर्य जी के द्वारा बनवाई गई थी ठीक है अब कुछ और फैक्ट है कुछ और फैक्ट उनके बारे में देखते हैं इन्होंने शेरशाह शाह सूर्य जी ने पाटली पुत्र का नाम रख दिया है क्या पटना रख दिया है पटना ध्यान देना मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की मैं ये पूछ रहा हूं कि पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा है शेर शाह सूर्य जी ने रखा है पाटलिपुत्र का नाम पटना शेर शाह सूर्य जी ने रखवाया था क्लियर है ये दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद इनकी मृत्यु के बाद इनका मकबरा बनाया गया है अब इनका मकबरा कहां है यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है मैं बार बार रिपीट पहले रिपीट किया हूं अब भी रिपीट कर रहा हूं कि मुगल काल में मकबरे से एक क्वेश्चन पूछ सकता है बाबर का मकबरा कहा है हुमायूं का मकबरा कहा है अकबर का मकबरा कहा है ये सब पूछ सकता है ठीक है उसी कड़ी में क्या है सूर्य जी भी हैं उनके मकबरे के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है इनका मकबरा कहाँ है सासाराम बिहार में कहा है सासाराम बिहार में एक बहुत ही भव्य मकबरा है तालाब के बीचों बीच इनका मकबरा बनाया गया है ठीक है एक इतिहासकार है कौन कनिंगम जी वो कहते हैं क्या कि जो शेरशाह मकबरा है जो शेरशाह का मकबरा है वो ताजमहल से भी सुंदर है ये कनिंगम जी बोलते हैं ये मैं नहीं बोलता हूं कौन बोलते हैं कनिंगम जी बोलते हैं क्या जो शेरशाह सूर्य जी का मकबरा है वो ताजमहल से भी सुंदर है भव्य है ऐसा ये कथन उनके द्वारा दिया गया है ठीक है अब जब शेर जी ने जब शेर सासूरी जी ने दिल्ली की बागडोर संभाली है उस समय जो मुद्रा प्रणाली है मुद्रा प्रणाली में बहुत सारे दोष है क्या है दोष है मतलब क्या है मिलावटी सिक्का बढ़ रहा है मिलावटी सिक्का उस समय बढ़ रहा है अगर चांदी का सिक्का है मतलब उसमें उसमें कुछ मात्रा में मिलावट हो रही है और ये राज्य के लिए अच्छा नहीं है ये राज्य के लिए अच्छा नहीं है इसी कारण इन्होंने शेर शाह सूर्य जी ने यह किया पुराने सिक्के बंद किए हैं पुराने सिक्के बंद करने के पश्चात एक शुद्ध चांदी का सिक्का जारी किया ठीक है पुराने सिक्के बंद करने के पश्चात इन्होंने एक शुद्ध चांदी का सिक्का जारी किया गया उस चांदी के सिक्के को बोला गया क्या रूबिया क्या बोला गया था रूबिया ठीक है इनके पहले जो हमारे चला रहा है जो बाबर चला रहा है सिक्का उनमें मिलावट है ठीक है मिलावट है मतलब क्या है राज्य को घाटा हो रहा है और इसी कारण इन्होंने उन सब सिक्कों को बंद करा के एक नया चांदी का सिक्का चलवाया है जिसे क्या बोला गया है रुपया बोला गया है क्या बोला गया है रुपया ठीक है अब एक क्वेश्चन पूछेगा किला ए फूना मस्जिद किला ए फोना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था ये क्वेश्चन पूछ चुका है इस कारण मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूं ठीक है किला ए फोहना कई जगह लिखा है कोहना भी लिखा है क्या लिखा है किला ए कुना या किला ए फोना दोनों सेम ही है ठीक है किला ए फूना मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरज जी के द्वारा पुराने किले में पुराने किले में कराया गया था दिल्ली में ठीक है शेर शाह सूरज जी के द्वारा किला ए फूना मस्जिद का निर्माण पुराने किले में करवाया गया था ठीक है और इन्होंने अस्थाई डाक विभाग भी प्रारंभ किया है इन्होंने अस्थाई डाक विभाग प्रारंभ किया था अपने शासन काल के दौरान ठीक है सेठ सूर्य जी के बारे में भी अब समाप्त होता है ठीक है मतलब मुगल काल अब खत्म हो चुका है अब पढ़ते हैं मुगलों के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखते अपन ठीक है देखते हैं अब मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कि इतने बड़े साम्राज्य को इतने बड़े साम्राज्य को कोई मुगल बादशाह कैसे मैनेज करते हैं किन किन अधिकारियों के थ्रू वो सुचारू रूप से अपने राज्य का संचालन कर पा रहे हैं इसी व्यवस्था को जानने का प्रयास करेंगे इसी व्यवस्था को अपन जानने का प्रयास करेंगे अपने टॉपिक मुगल कालीन प्रशासन के अंतर्गत कि कैसे एक बादशाह इतने बड़े साम्राज्य को मैनेज कर पा रहा है ठीक है अगर एक लाइन में अगर में क्वेश्चन या एक लाइन में क्वेश्चन पूछता क्या कि मुगल कालीन प्रशासन कैसा था कैसा था मुगल कालीन प्रशासन ये क्वेश्चन आएगा तो ये केंद्रीकृत था कैसा था केंद्रीकृत था मतलब क्या है राज्य की अब साम्राज्य की विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका साम्राज्य की विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का प्रमुख कौन था बादशाह था तीनों का प्रमुख 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 कौन है बादशाह है जो मुगल बादशाह है वह अपने साम्राज्य की विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का प्रमुख था इसी कारण हम लोग क्या बोले हैं मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी केंद्रीकृत थी मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत थी क्योंकि जो मुगल बादशाह है वो विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के प्रमुख थे तीनों के क्या थे प्रमुख थे लेकिन प्रैक्टिकली या ह्यूमनली इम्पॉसिबल है इतने बड़े साम्राज्य में अब खुद अकेले मैनेज करना खुद अकेले मैनेज करना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है इसी कारण उन्होंने अपनी अपनी हेल्प के लिए, अपनी हेल्प के के लिए, लिए बहुत सारे अधिकारी नियुक्त किए हैं, ठीक है केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय स्तर पर अपनी हेल्प के लिए उन्होंने बहुत सारे अधिकारी नियुक्त किए हैं अब मान के चलिए अभी जो हमारा इंडिया ना देख के चलिए ठीक है अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकारें हैं राज्य के अलग मुख्यमंत्री हैं केंद्र में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, जी हैं राष्ट्रपति जी हैं ठीक है <laughs> अलग है प्रांत में अलग है और केंद्र में अलग है तो उस अभी केंद्र पर केंद्र पर जो मंत्री हैं केंद्र पर जो अधिकारी हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं प्रांत पे भी आएंगे प्रांत पे भी आएंगे लेकिन अभी जो मुगल बादशाह हैं जो मुगल बादशाह हैं उनके कैबिनेट में उनके केंद्रीय मंत्री कौन कौन हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं ठीक है उनके बारे में जानने का प्रयास करते, है। है, 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 करते, है, है? करते हैं जो मुगल बादशाह को सुचारू रूप से इतने बड़े साम्राज्य को चलाने में उनकी मदद करते हैं देखते हैं उनकी कैबिनेट के बारे में मुगल बादशाह की कैबिनेट के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख अधिकारी उनके दरबार में ठीक है पहले का नाम क्या है वकील एक कुतलक नाम क्या था वकील एक कुतलक नाम पे मत जाना नाम में क्या लग रहा है वकील मतलब काजी कुछ नहीं है ठीक है ध्यान देना बहुत ही पावरफुल पोस्ट है बहुत ही पावरफुल पोस्ट है कौन सा वकील एक कुतलक और बाद में बाद में इसको बंद कर दिया गया इस पोस्ट को समाप्त कर दिया गया है वकील कुतलक का मतलब क्या था उस समय जब बैरम खादी थे जब बैरम खादी थे और वो अकबर के संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे तब उन्हें यह पद दिया गया तब उनको यह पद दिया गया था मतलब क्या है जो वकील एक कुदरत था वो अन्य सभी केंद्रीय मंत्रियों की वह अन्य सभी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति भी कर रहे हैं और उन्हें पद से हटाने का भी पावर रखता है जो वकील एक कुतलक था वो अन्य सभी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करने का और उन्हें पद से हटाने का पावर रखता था मतलब क्या है प्रधानमंत्री के लायक है प्रधानमंत्री के बराबर पोस्ट है क्या वकील एक कुतलक यहाँ बोलना चाहिए उससे भी पावरफुल है उससे भी ज्यादा पावरफुल है और बाद में इसी कारण से इसी कारण से ये पोस्ट या पद समाप्त कर दिया गया ये पद बाद में समाप्त कर दिया गया था ठीक है इसका काम क्या था सभी मंत्रियों की नियुक्ति करना या उन्हें पद से हटाना पद करना इस वकील एक कुतलक का काम था मतलब क्या है अन्य सभी मंत्रियों का क्या है ये प्रमुख था बोल सकते हैं ठीक है ये अन्य सभी मंत्रियों का प्रमुख था दूसरे मंत्री के बारे में आते हैं कौन है वजीर है अगला कौन सा है वजीर है जिन्हें क्या मिला है राजस्व एवं वित्त विभाग मिला है ठीक है इतने बड़े साम्राज्य में इतने बड़े साम्राज्य के वित्त विभाग और राजस्व विभाग प्रमुख कौन है वजीर कला है जो वजीर है मुगल कालीन राज्य में राजस्व एवं वित्त विभाग के प्रमुख थे अगले कौन है मीर बक्सी अगले कौन है मीरबक्सी ये कौन है सेना के सर्वोच्च अधिकारी हैं पूरे साम्राज्य में पूरे साम्राज्य में सेना के सबसे बड़े अधिकारी कौन है मीर बक्सी हैं ये आपको याद रखना है ठीक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या मीरबक्सी क्या है सेना के सर्वोच्च अधिकारी हैं मुगल काल में ठीक है मुगल काल में सेना के सर्वोच्च अधिकारी क्या बोलते हैं मीर बक्सी बोलते हैं ठीक है ठीके? अगला है कौन सा काजी उल कुत अगला कौन सा है काजी उल नाम से ही समझ में आ रहा है क्या इनका काम क्या है न्यायाधीश ये क्या है न्यायाधीश है ये क्या है पूरे साम्राज्य के सबसे बड़े न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायाधीश बोलना चाहिए सर्वोच्च न्यायाधीश है पूरे साम्राज्य के काजी उल कुत क्या है न्यायाधीश है अब एक पॉइंट रुकी ठीक है एक पॉइंट पर रुकी अगर क्वेश्चन आया कि मुगल कालीन राज्य में मुगल राज्य में न्याय न्यायपालिका का न्यायपालिका का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पद क्या था सबसे ऊंचे पद पर कौन था सबसे ऊंचे पद सोपान किसका था तो क्या आएगा आंसर बादशाह क्या आएगा आंसर बादशाह? मैं बोला क्या हूं विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका तीनों का प्रमुख कौन था बादशाह था अगर पूछा है अधिकारी कौन था तब आएगा क्या काजी उल लेकिन अगर पूछा है क्या कि न्यायपालिका का प्रमुख कौन था तब आंसर क्या आना चाहिए बादशाह क्योंकि वो क्या है विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का प्रमुख था ठीक है जबकि अगर पूछा है न्यायपालिका का न्यायपालिका का सबसे प्रमुख अधिकारी कौन था तब आंसर क्या आएगा का? काजी उल तब आंसर क्या आएगा का? काजी उल कुछ इस अधिकारी पोस्ट से अधिकारी शब्द से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ठीक है इसी कारण ध्यान देना क्वेश्चन ठीक से रीड करना कि अधिकारी बोल रहा है कि, कि किसी भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा है ठीक है अगर कोई भी व्यक्ति बोल रहा है मुगल काल में न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा पद क्या है तो बादशाह है सबसे बड़ा अधिकारी क्या है तो काजी उल कुज्जात है कौन है काजी उल कुज्जात है ठीक है अगले पद के बारे में अगला पद कौन सा है है अगला पद कौन सा है मुहत्सिब है इसका काम क्या है चेक करना क्या कि शरीयत के अनुसार शरीयत के अनुसार प्रजा कार्य कर रही है कि नहीं ठीक है शरीयत कठोर कानून है उनके आधार पर चेक करना कि प्रजा का व्यवहार कैसा है वो सही से बिहेव कर रहे हैं कि नहीं सरयत के अनुसार बिहेव कर रहे हैं कि नहीं ये चेक करने का किसका है मुहसिब है ध्यान देना हम धार्मिक कार्य के प्रमुख मुहसिब को नहीं बोल रहे हैं ठीक है धार्मिक कार्यों के प्रमुख में मुहत्सिब नहीं है इनका काम क्या है केवल यह चेक करना कि जो प्रजा है वो शरीयत के अनुसार शरीयत के कानूनों के अनुसार काम कर रही है कि नहीं ठीक है ये चेक करना महत्सिब का ही काम है और इनकी आज्ञा सही इनकी आज्ञा से ही मंदिरों को तोड़ने का काम शुरू हुआ था ठीक है ये मुहस्सिब जो पद है इनकी आज्ञा से या इनके देखरेख में ही क्या हो रहा था मंदिरों को तोड़ने का काम चल रहा था इस मुगल कालीन राज्य में ठीक है मंदिरों को तोड़ने का काम इस मुहस्सिब के द्वारा ही कराया जा रहा था ठीक है देखते अगले पद के बारे में सद्र उस सद्र नाम क्या है सद्र सदर जो क्या है धार्मिक विभाग के प्रमुख थे जो मुगल कालीन राज्य में धार्मिक विभाग के प्रमुख थे नाम क्या है पद का उस ये क्या है धार्मिक विभाग के प्रमुख है देखते हैं अगले पद के बारे में मीर ए समा नाम क्या है पद का मीर ए समा मतलब क्या है समा बांध के रखते हैं समा बांध के रखते हैं कहां पर शाही महल में हरम में और रसोई में महल में हरम में और रसोई में समा बांध के रखते हैं कौन मीर समा याद करने के लिए बता रहा हूं उसका मतलब वो नहीं है ठीक है मीर समा का मतलब क्या है शाही महल, महल हरम और रसोई के प्रबंधक हम लोग बोलते हैं ना हाउस मैनेजर जो सेलिब्रिटी लोग हैं अपने घर में क्या रखते हैं हाउस मैनेजर रखते हैं उसी तरीके का पद है क्या मीर जो कि शाही महल हरम और रसोई के प्रबंधक थे ठीक है देखते हैं अंतिम पद केंद्रीय बॉडी में सेंट्रल बॉडी में अंतिम पद देखते हैं क्या मीर ए आतिश पद का नाम क्या है मीर ए आतिस, जो शाही तोप खाने के प्रमुख थे जो शाही तोप खाने के प्रमुख थे हमने देखा क्या मुगल जब भारत में आए तब सबसे पहली बार तोप लेके आए तोप लेकर आए हैं उत्तर भारत में सबसे पहली बार उत्तर भारत में तोप लेकर कौन आए हैं मुगल आए हैं बाबर आए हैं और उस तोप के दम पर भारत जीत लिया किसने बाबर ने इसी कारण इसी कारण जो ये पद है बहुत ही महत्वपूर्ण है कौन सा मीर ए आतिश मतलब क्या है शाही के प्रमुख का संचालन जो आर्मी कर रही है उनके हेड कौन है ये मीर ए आतिश है ये था आपकी केंद्रीय बॉडी के बारे में सेंट्रल बॉडी के बारे में यह बोलना चाहिए कैबिनेट मिनिस्टर्स है ये कौन है कैबिनेट मिनिस्टर्स है अब सेंट्रल बॉडी हो गया अब आते हैं प्रांत के अंदर क्योंकि जो केंद्र है किसने बटा हुआ है प्रांत में प्रांत जिलों में ऐसा बटा हुआ था ठीक है तो केंद्र खत्म हो गया अब आते हैं प्रांत पर प्रांत के प्रमुख अधिकारी लिखिए प्रांत के प्रमुख अधिकारी के बारे में प्रांत के प्रमुख अधिकारियों के बारे में देखते हैं प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था या प्रांतीय प्रशासन ही लिखते हैं यहाँ पर ठीक है, है? प्रांतीय प्रशासन देखते हैं प्रांत में कौन कौन से व्यक्ति को मंत्री का पद मिला है प्रांत में कौन कौन से व्यक्तियों को या कौन कौन से पद सृजित किए गए हैं मुगल काल में ठीक है पहला कौन सा है सूबेदार सूबेदार क्या है सम्राट का प्रतिनिधि है ठीक है प्रत्येक राज्य में सम्राट का प्रतिनिधि क्या कहलाया सूबेदार कहलाया है, है, है प्रत्येक राज्य में ठीक है जो बादशाह है उनके द्वारा अपना एक आदमी अपना एक वफादार सूबेदार बनाकर भेजा गया है जो इनकी बातों को जो बादशाह की बातों को राज्य में या प्रांत में कन्वे करता है लोगों तक पहुंचाता है ठीक है साथ ही साथ उन पर नियंत्रण भी स्थापित करता है और अगर कोई बात है अगर कोई बात है कहीं विद्रोह की आशंका है तब वह बादशाह से सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट करता है कि यहां पर स्थिति सही नहीं है ठीक है तो सूबेदार क्या है बादशाह का प्रतिनिधि है बादशाह या सम्राट का प्रतिनिधि है जो प्रांत में जो प्रांत की प्रशासनिक व्यवस्था को हैंडल कर रहा है नाम क्या है सूबेदार है अगला पद कौन सा है दीवान अगला पद कौन सा है दीवान ठीक है कंपेरिजन कीजिए कंपेरिजन कीजिए केंद्र से और राज्य से यहां पर वित्त विभाग किसको मिला था वजीर को मिला था वजीर को यहां पर किसको मिला है दीवान को मिला किसको मिला है दीवान को यह क्या है राज्य में या प्रांत में वित्त मंत्री का पद संभाल रहा है जो दीवान है वो प्रांत में वित्त मंत्री का पद संभाल रहा है अगला कौन सा है बक्सी अगला कौन सा है बक्सी बक्सी का मतलब क्या है यह प्रांत में सेना का प्रमुख है प्रांत में सेना का प्रमुख का कला है बक्सी कला है जबकि केंद्र में केंद्र में जो सेना का प्रमुख कहलाया क्या मीर बक्सी क्या कहलाया है मीर बक्सी मिलता जुलता है ठीक है मिलता जुलता है दोनों बक्सी और मीर बक्सी जो मीर बक्सी का मतलब क्या है केंद्र में सेना का सर्वोच्च अधिकारी वो क्या कहलाया है मीर बक्सी कहलाया जबकि प्रांत में सेना का प्रमुख कहलाया है केवल बक्सी केवल और केवल बक्सी कहलाया ठीक है ठीक उसी तरीके से अगला पद कौन सा है सद्र जो कि प्रांत में धार्मिक विभाग का प्रमुख है धार्मिक हितों का धार्मिक विभाग का प्रमुख है, प्रांत में। नाम क्या है? सद्र।, में, सद्र उस सद्र, सद्र, सद्र। जबकि यहां नाम क्या है केवल सद्र केवल सद्र जो है वो प्रांत में धार्मिक विभाग के प्रमुख है धार्मिक हितों की रक्षा करते हैं प्रांत में ठीक है देखते हैं अगला पद कौन सा है काजी अगला पद कौन सा है काजी जो कि क्या है प्रांत के न्यायाधीश है, प्रांत में है. पर काजी के क्या था? सबसे प्रमुख न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायाधीश पूरे सेंट्रल बॉडी के कौन थे काजी उल थे जबकि प्रांत के मुख्य न्यायाधीश क्या कहलाएंगे काजी कहलाएंगे अब फिर से वही क्वेश्चन बनेगा कि प्रांत में प्रांत में सर्वोच्च अधिकारी प्रांत में सर्वोच्च अधिकारी न्यायपालिका के क्षेत्र में कौन था सर्वोच्च अधिकारी तो सूबेदार ही आएगा तो भी आएगा क्योंकि सूबेदार क्या है बादशाह का अधिकारी ही है सूबेदार बादशाह का अधिकारी ही है और सूबेदार के पश्चात सूबेदार के पश्चात न्याय के क्षेत्र में प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी सूबेदार के पश्चात न्याय के क्षेत्र में प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी अगला है काजी कहलाया लिखा भी हूं मैं सूबेदार के पश्चात सर्वोच्च न्यायाधीश कहलाया है काजी कहलाया ठीक है यह था मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अब देखते हैं मुगल कालीन मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के बारे में देखते हैं मनसबदारी व्यवस्था के बारे में मुगल काल में जो अपनाई गई थी देखते हैं मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में मनसबदारी व्यवस्था के बारे में अब डील करने वाले हैं ठीक है ध्यान देना जब हमने पढ़ा है औरंगजेब जब पढ़ा है औरंगजेब तब वहां पर लास्ट में एक पॉइंट लिखवाया था मैं एक पॉइंट लिखवाया था क्या कि और सर्वाधिक हिंदू मनसबदार सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय में थे ये क्वेश्चन पूछा पूछा पूछ चुका है कि सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किनके समय में थे औरंगजेब के समय में क्या थे सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे वही मनसबदार तो मनसब है क्या मनसबदार है क्या इसके बारे में अपन डील करने वाले हैं ठीक है वहां पर मैं प्रॉमिस किया था कि बताऊंगा बाद में बाद में ये मनसबदार और मनसब के बारे में बताऊंगा ये मैं बोला था मैं बात ठीक है अब उसी को डील करने वाले हैं ध्यान देना डालना हेडिंग मनसब डालना हेडिंग क्या मनसब मनसब क्या है एक अरबी भाषा का शब्द है मनसब एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या मीनिंग है उस उस व्यक्ति व्यक्ति का का पद क्या है या रैंक क्या है या उसकी हैसियत क्या है ये दिखा रहा है क्या ये मनसब शब्द मनसब शब्द उस व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण करता है मतलब उस व्यक्ति को कौन सा रैंक प्राप्त है कौन सा पद प्राप्त है यह दिखाता है क्या मनसब क्या दिखाता है मनसब मतलब कोई उच्च वर्ग का अधिकारी है क्लास वन ऑफिसर है उसका मनसब अधिक है वही दिखा रहा है क्या मनसब मनसब मतलब क्या है उसका पद या फिर रैंक कौन सा है वही दिखा रहा है क्या मनसब भारत में मनसबदारी व्यवस्था भारत में मनसबदारी व्यवस्था बादशाह अकबर के द्वारा लाई गई थी ठीक है भारत में मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा लाई गई थी ठीक है अब ध्यान देना जो प्रत्येक मनसबदार है प्रत्येक मनसबदार को दो पद दिए गए हैं ठीक है, है? प्रत्येक मनसबदार को दो पद दिए गए हैं पहला कौन सा है जात पद दूसरा कौन सा है सवार पद ठीक है प्रत्येक मनसबदार को मनसब मतलब क्या है एक अरबी भाषा का शब्द है जो किसी व्यक्ति के पद का या रैंक का निर्धारण करती है अब आता है क्वेश्चन मनसबदार क्या है मनसब दर क्या है वह व्यक्ति वह व्यक्ति जिसका मनसब डिफाइन है वह व्यक्ति जिसका मनसब डिफाइन है उसको हम लोग क्या बोले हैं मनसबदार बोले हैं ठीक है थीके? मनसब क्या मनसबदार क्या है वह व्यक्ति जिसका मनसब डिफाइन है कि हाँ ये इस रैंक का अधिकारी है उसी को हम लोग क्या बोले हैं मनसबदार बोले क्या बोले हैं मनसबदार और हर मनसबदार को प्रत्येक मनसबदार को दो पद मिले हैं दो पोस्ट मिले हैं प्रत्येक मनसबदार को दो पद दिए गए कौन कौन सा जात पद और सवार पद प्रत्येक मनसबदार को जात पद एवं सवार पद दिए गए हैं अब देखते हैं दोनों है क्या जात पद का मतलब क्या है उसकी एक्चुअल पहचान उसकी एक्चुअल पहचान वो कलेक्टर है कि आईपीएस है कि डिप्टी कलेक्टर है या भी डीसी कुछ और है या नया तहसीलदार है वही क्या कहला है जात पद कहला है वही क्या कहला है जात पद कहला है व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान व्यक्ति व्यक्तिगत दर्जे का निर्धारण कौन करता है ये जात पद करता है और उसी से ही और जात पद से ही उस व्यक्ति की या बंदे की सैलरी या फिर उसका वेतन निर्धारित हो रहा था ठीक है इस जात पद से ही उस व्यक्ति का वेतन का निर्धारण हो रहा था तो ये सवार पद क्या है सवार पद ध्यान देना उस समय जो है घोड़ों का घोड़ों का बहुत ज्यादा महत्व है और घोड़ों के बिना कोई अधिकारी नहीं हो सकता ठीक है जी और चलना आज क्या मिलता है चलने के लिए कार मिलती है उस समय घोड़ा ही मिल रहा था उस समय घोड़ा ही मिल रहा था और उसी घोड़े से रिलेशन है किसका सवार पद का उसी घोड़े से रिलेशन है किनका सवार पद का देना सवार पद का मतलब क्या है कितने घोड़े या घोड़ सवार रखने की परमिशन आपको है किसी भी मनसबदार को कितने घोड़े या घोड़ सवार रखने का परमिशन है यही कला है सवार पद कला है यही सवार पद कहला है कितने घोड़े या घोड़ सवार रखने का आपको अधिकार है यही सवार पद कहला है ठीक है ये अकबर जी के द्वारा लॉन्च किया गया था लेकिन बाद में अकबर के पुत्र कौन है जहांगीर है जिन्होंने इस सवार पद में इस मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत इस सवार पद में कुछ परिवर्तन किए हैं कुछ परिवर्तन किए क्या इन्होंने सवार पद में दू अस्पा और सिंह अस्पा प्रणाली विकसित की है इसने की है जहांगीर ने वो कौन है अकबर के पुत्र है। इन्होंने मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत सवार पद के भीतर दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रणाली विकसित की है जिसके अंतर्गत इसका मतलब है का मतलब क्या है प्रत्येक सवार के लिए प्रत्येक सवार के लिए अगर दो घोड़े मिले प्रत्येक सवार के लिए अगर दो घोड़े मिले उसे क्या बोला गया है दो अष्प प्रणाली बोला गया क्या बोला गया है दो अष्प प्रणाली दू का मतलब क्या होता है दो ठीक है प्रत्येक सवार के लिए अगर दो घोड़े मिले उसमें क्या बोला है दो अस्प बोले सिंह अस्प का मतलब क्या है प्रत्येक सवार के लिए प्रत्येक सवार के लिए अगर तीन घोड़े मिले तो अपन क्या बोलेंगे इसको सिंह प्रणाली बोलेंगे क्या बोलेंगे सिंह प्रणाली मतलब क्या है सवार पद में इन्होंने चेंज किया था कि अगर कोई छोटा अधिकारी है तो उसको क्या दिया दो घोड़े दिए जबकि कोई अच्छा व्यक्ति जिसको सेना का काम है या अच्छा बादशाह नजर में अच्छा है अच्छा काम करता है तो उसको तीन घोड़े दिए एक सवार के लिए

जो निम्न वर्ग जो निम्न वर्ग या छोटे लेवल के मनसबदार हैं जिनकी सैलरी क्या है 500 से कम है जिनकी सैलरी 500 से कम है 500 सौ मनसब से कम है उन्हें बोला गया क्या केवल मनसबदार बोला गया क्या बोला गया केवल मनसबदार मनसबदार छोटे लेवल के हैं ठीक है थीके? जिनकी सैलरी 500 सौ मनसब से कम है उसको हम लोग क्या बोले है? खाली मनसबदार बोले हैं ठीक है फिर कौन आएंगे मध्यम आएंगे जिनके अधिकार में पांच से लेकर ढाई मनसब आता है सैलरी क्या है पांच से लेकर अठाईस हजार मनसब उन्हें क्या बोला गया है अमीर बोला गया है क्या बोला गया है अमीर ये शब्द अपन एक जगह और पढ़े क्या अमीर हमने पढ़ा है क्या कल फरूख सियार फरूख सियार को बोला गया था क्या घृणित कार ठीक है ध्यान देना वहीं पर एक पॉइंट पढ़े हैं कि मुगल इतिहास में पहली बार एक घटना हुई थी कि किसी मुगल बादशाह की हत्या अमीर के द्वारा कर गई थी किसी मुगल बादशाह की हत्या किसी अमीर के द्वारा की गई थी यही वही अमीर है जिन्हें क्या मिल रहा है 500 से लेकर ढाई हजार मनसब वही मनसबदार ने किसकी हत्या कर दी है फरूख सियाहार मुगल बादशाह की हत्या कर दी थी ठीक है ये पॉइंट वहां पर लिखे अपन पढ़े भी हैं कि मुगल इतिहास में पहली बार घटना हुई थी कि किसी अमीर ने मुगल बादशाह की हत्या दी थी किस मुगल बादशाह की फारूक सियार की हत्या जिन्हें क्या बोला गया था घृणित कायर भी कहा गया था अब देखते हैं सबसे हाई लेवल के मनसबदारों के बारे में जिनकी सैलरी कितनी है ढाई हजार से लेकर पांच हजार मनसब इन्हें क्या बोला गया है अमीर ए आजम क्या बोला गया था अमीर आजम रिवाइज करते हैं लो तो लेवल के उन्हें क्या बोला गया है मनसबदार सिर्फ मनसबदार बोला गया है जो मीडियम के उन्हें क्या बोला गया है अमीर बोला गया है जो सबसे हाई लेवल के मनसबदार मनसबदारी व्यवस्था ये आप चार मार्क्स में लिख के लाएंगे ठीक है लिखे क्वेश्चन मनसबदारी व्यवस्था से क्या समझते हैं मनसबदारी व्यवस्था से क्या समझते हैं चार मार्क्स में ठीक है ये आप लिख के लाएंगे अब बचा है क्या मुगल कालीन साहित्य क्या बचा है मुगल कालीन साहित्य हालांकि मैं लिखा चुका हूं लेकिन आपको अरेंज करना है लास्ट में अपने कॉपी के लास्ट में लिख कर रखना है एक साथ मुगल कालीन साहित्य वैसे लिखना है क्या मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में ठीक है मैं कैसे लिखवाया हूं बाबर के बारे में लिखवा दिया जब बाबर पढ़ाया हूं मैं के बारे में लिखवा दिया आपको सबको एक साथ सबको एक साथ एक जगह अलग से नोट करना है दिखा रहा हूं मैं कैसे साहित्य के बारे में वैसे ही आप स्थापत्य कला को अपनी कॉपी में नोट करेंगे ठीक है अपन पढ़ने क्या मुगल कालीन साहित्य के बारे में तो स्टार्ट करेंगे कहां से बाबर जी से कर... बाबर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहले वही क्या थे पहले मुगल बादशाह थे उनकी रचना का नाम क्या है तुजुक ए बाबरी नाम क्या है तुजुक ए बाबरी किनके द्वारा लिखी गई है खुद बाबर के द्वारा खुद बाबर के द्वारा लिखी, लिखी गई थी तुर्की भाषा में क्या लिखी गई है ठीक बाबर है फिर आता है क्या हुमायू नामा किसने लिखी है गुल बदन बेगम ने किसने लिखी है गुल बदन बेगम ने जो हुमायूं की बहन थी उन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी ये भी अपन पढ़े हैं ठीक है फिर आता क्या अकबरनामा फिर क्या है अकबरनामा अकबरनामा की रचना किसने की है अबुल फजल जी ने किसने की है अबुल फजल जी ने वहीं पर एक क्वेश्चन फिर से रिपीट करो मैं अगर क्वेश्चन पूछ रहा है आईन ए अकबरी की रचना आईन ए अकबरी की रचना किसने की है तब भी आंसर अबुल फजल ही आएगा क्योंकि के तीन हिस्से हैं इसमें तीसरा पार्ट क्या कहलाता है, है? आईन ए अकबरी कहलाता है इस अकबर नामा का थर्ड पार्ट आईन ए अकबरी नाम से जाना जाता है ठीक है तो दोनों में क्या आएगा अबुल फजल ही आएगा फिर आता है क्या तुजुक ए जहांगीरी क्या आएगा तुजुक ए जहांगीरी ध्यान देना तुजुक ए बाबर किसने लिखी है बाबर ने लिखी है मतलब क्या है उनकी आत्मकथा थी अब तुजुक ए जहांगीरी बोल रहा है मतलब क्या है ये जहांगीर की आत्मकथा है जहांगीर की आत्मकथा है नाम क्या है तुजुक ए जहांगीरी मतलब क्या है इसकी रचना जहांगीर ने खुद की है लेकिन वहां पर हम लोग एक पढ़े पॉइंट क्या कि तुजुक ए जहांगीरी में आरंभिक 16 वर्षों का इतिहास जहांगीर ने स्वयं लिखा था लेकिन कंप्लीट किसने किया था मुतमिद खां और मोहम्मद हादी ने स्तुजुक ए जहांगीरी को कंप्लीट किया था ये वाला पॉइंट भी आपको ऐड करना है ठीक है आरंभिक 16 वर्षों का इतिहास जहांगीर ने स्वयं लिखा था लेकिन बाद में मुतमिद खां और मोहम्मद हादी ने इसे क्या किया है कंप्लीट किया ठीक है अगला कौन सा है शाहजहां नामा अगला कौन सा है शाहजहां नामा ये नहीं लिखवाया हूं मैं ये नहीं लिखवाया ना पर नामा इनायत खां की रचना है किसकी रचना है इनायत खां की शाहजहां नामा इनायत खां की रचना है शाहजहां के बारे में उन्होंने पुस्तक लिखी है नाम में क्या है शाहजहां किसने लिखी है इनायत खां ने लिखी है सेम ऐसे ही सेम ऐसा ही मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में आप लोग लिख के लाएंगे ठीक है अरेंज करेंगे जगह मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में ठीक है खत्म होता है आपका मुगल काल मुगल काल अब खत्म हो गया अब मध्य काल के अंतर्गत एक पॉइंट एक टॉपिक है क्या विजयनगर साम्राज्य क्या है विजयनगर साम्राज्य वो कल मैं स्टार्ट करूंगा ठीक है विजयनगर साम्राज्य कल से स्टार्ट करेंगे मुगल वंश आपका समाप्त होता है क्लियर है Thank you, Glass.